हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैंने अपने वीडियो की स्टार्टिंग अपनी बालकनी से की है। मैंने अपनी बालकनी में कुछ गमले रखे हुए हैं, जिसमें मोगरे का पौधा है, तुलसा जी हैं, और कपड़े सूखने डाले हुए हैं। मेरी बालकनी में सुबह सुबह धूप आ जाती है। मैंने कुछ गमले इधर रखे हुए हैं, जिसमें गुड़हल का है, 10 o'clock है, और एक मनी प्लांट है। मेरा मनी प्लांट बहुत अच्छा चल रहा है। ये देखिए मेरे मनी प्लांट कितना अच्छा है। मैं मॉर्निंग के काम से फ्री हो गई हूँ, तो मुझे लगा क्यों ना न्यूज़पेपर पढ़ लिया जाए। मैं जब तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, मुझे कुछ खाली खाली सा लगता है। हमें न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे हम अपने आसपास की खबरों से अपडेट रहें। दोपहर का टाइम हो गया है, अब मैं लंच बनाने जा रही हूँ। आज लंच की रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, तो चलिए गाइस चलते हैं किचन में। मैं आज लंच में छोले बनाने जा रही हूँ। छोलों को आप काबुली चने भी कह सकते हैं। छोलों को मैंने रात में भिगो दिया था, ताकि अच्छे से फूल सकें। फिर इनको अच्छे से चेक भी कर लिया कि कोई छोला ख़राब ना हो या इनमें घुन ना लगाओ। फिर इनको साफ पानी से 3-4 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इन्हें मैं उबलने रखूँगी। अब मैंने कुकर ले लिया है और उसे गैस पर चढ़ा दिया। अब इसमें मैं छोले डाल दूँगी। ये देखिए छोले डाल रही हूँ मैं। छोले कुकर में 5-6 सीटियों में अच्छे से पक जाते हैं। और जल्दी पकाना है तो इसमें मीठा सोडा ऐड कर सकते हैं। देखिए मैं मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ। हमारे छोले अच्छे से उबल गए हैं। अब मैं उनके छौंक की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें सरसों का तेल डाल दिया है, और बाकी की तैयारियाँ भी कर ली हैं, जैसे प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है। टमाटर को भी अच्छे से पीस लिया है। टमाटर के साथ मैंने हरी मिर्च भी पीस ली है। अब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें मैंने जीरा डाल दिया है और हींग भी डाल दी है। इसके साथ में कुछ खड़े मसाले भी डालूंगी। इन खड़े मसालों में मैंने तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये सब लिए हैं। अब जब ये अच्छे से चटक जाएंगे, थोड़े फ्राई हो जाएंगे, तब मैं प्याज अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दूंगी और इनको अच्छे से भुनने दूंगी। इनको अच्छे से मिला के अच्छे से भुनने देना है, जब तक इनमें एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। अब पेस्ट अच्छे से भुन गया है और इसने तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। मसाले में मैंने हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, रंग वाली लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला लिया है। गरम मसाला मैं थोड़ा ही ऐड करूंगी, क्योंकि मैंने छौंक में खड़े मसाले इस्तेमाल किए हैं। आप चाहें तो छोलों में किचन किंग मसाला या छोले मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है। अब मैं अपने मसालों को अच्छी तरह से भूनूंगी, जब तक कि ये अच्छे से तेल ना छोड़ दें। मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और इसने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करूंगी और इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। टमाटर को तब तक पकने देना है, जब तक कि उसका कच्चापन चला ना जाए, और इसे अच्छे से भुनने देना है। अब हमारा टमाटर अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें मैं कसूरी मेथी ऐड कर दूंगी। कसूरी मेथी हमेशा हथेलियों से क्रश करके डालनी चाहिए, जिससे उसका फ्लेवर और अच्छे से आता है। अब हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें मैं छोले मिला दूंगी और इन छोलों को मसालों में
अच्छे से मिला दूंगी और उन्हें कुछ देर के लिए मसालों के साथ पकने दूंगी। अब छोलों में मैं नमक ऐड कर दूंगी। नमक हमें स्वाद अनुसार ही ऐड करना है, जो जैसा नमक खाता है उसे वैसा ही ऐड करना है, और नमक को छोलों में अच्छे से मिला देना है। अब मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। अमचूर पाउडर पूरी तरह से ऑप्शनल है। मेरे टमाटर ज़्यादा खट्टे वाले नहीं थे, इसलिए मैंने छोलों में अमचूर पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं। अब छोले बनके पूरी तरह से तैयार हैं और इनमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फ्रेंड्स, हम छोलों को कितनी सारी चीज़ों के साथ खा सकते हैं, चावल, पूरी, रोटी और हाँ कुलचे भी ना। तो आप लोग किसके साथ खाना पसंद करते हैं बताइएगा कमेंट करके। मैंने अपनी प्लेट लगा ली है और छोलों के साथ दही और रोटी लूँगी मैं, और सलाद में प्याज। आप लोग भी खा लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? रात के 8:30 बज गए हैं और अब मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ, काफ़ी लेट हो गया है। शाम में मैं मार्केट चली गई थी, कुछ किचन का छोटा मोटा सामान लेना था, सब्जी, फ्रूट्स वगैरह, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। और गाइस, मैंने बताया था आपको टाइटल में वीडियो के कि मैं उस शख्स से मिलवाऊंगी जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे आ पाई हूँ, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। जिन्होंने मेरा इंट्रो वीडियो देखा होगा वो तो समझ ही गए होंगे कि वो कौन है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा तो आइए मिलवाती हूँ उससे। आओ हेलो गाइस, फ्रेंड्स, ये है वो इंसान जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे हूँ। तो ये और कोई नहीं, ये मेरा बेटा है। ये नाम बताओ बेटा अपना। मेरा नाम पार्थ है। इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, चैनल बनाने में, एडिटिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और भी यूट्यूब से जुड़ी हुई जानकारियाँ बताता रहता है। और बताओ मम्मी आई यूट्यूब पे तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी है मेरी मम्मी यूट्यूब पे हैं। और कुछ कहना चाहोगे व्यूअर्स से? आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। प्रेस कर दीजिए, जैसे कि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो गाइस, मेरे बेटे के लिए एक लाइक तो बनता है। तो फिर चलिए हम लोग वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय। फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने वीडियो का एंड कर दिया था, लेकिन जब मैं और पार्थ डिनर के बाद वॉक करने के लिए निकले तो यहाँ बहुत छोटे छोटे से पपीज़ और उनकी मम्मा दिखे। तो पार्थ तो डॉगी लवर है ही, तो वो फटाक से बिस्किट लेके आ गए कि मम्मी मैं इनको बिस्किट खिलाऊंगा। तो देखिए, बिस्किट एंजॉय कर रहे हैं ये पपीज़। और पार्थ को तो ये पपीज़ इतने ज़्यादा पसंद आ रहे थे, कह रहे थे मम्मी इन्हें घर लेके चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं बेटा, उसकी मम्मा परेशान हो जाएगी और उसके जो भाई बहन हैं वो परेशान हो जाएंगे। तब बोला ठीक है। तो देखिए ना गाइस, कितने प्यारे पपीज़ हैं ना, छोटे छोटे से। चलिए फिर फाइनली बाय करते हैं। ओके।